हेलो गाइस, आप सभी को फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग पर। तो गाइस, अभी आप देख रहे हैं मिक्स वीडियोज़ यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सचिन। और आप, मैं आज खाने वाला हूँ चीनी का राजा रोज़ा, जो कि आगरा शहर के पूर्व में स्थित है और यह एतमदौला से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। तो गाइस चलिए दोस्तों, आपको आज तो आज आपको चीनी का रोज़ा दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे काफ़ी दिन उसमें वीडियो नहीं डाला। तो गाइस मैं बता दूं आपको, कुछ दिन अभी 2 दिन के लिए मैं शादी में गए होते, इसी कारण से मैं कोई वीडियो नहीं मिल पाया। तो गाइस चलिए दोस्तों, आज आपको रोज़े के बारे में बताते हैं चीनी का रोज़ा। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं सामने चीनी का रोज़ा है और कुछ लोग भी खड़े हुए साइड में। तो गाइस ये आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे के लोग हैं जो कि यहाँ पर कुछ मीटिंग वीटिंग वगैरह थी, इसी कारण से आए थे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं चीनी रोज़ा के कुछ बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको अंदर से कुछ सीन दिखाते हैं। पहले तो ये ऊपर का सीन है कुछ इस तरीके का। तो आज बाहर कुछ पट्टी लगी हुई थी, उस पर कुछ इसके बारे में जानकारी लगी हुई थी, उसको बड़ा हमने पूरी जानकारी ली है, उसके बारे में बताएंगे आपको। उससे पहले कि आपको हम अंदर का जो मकबरा है उसको दिखा दें, जो गाइस देख सकते हैं आप, ये मुख्य मकबरा है। तो गाइस अभी आपको ऊपर का सीन दिखाते हैं। तो गाइस हमने मेरा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ कब्रें हैं जो कि रोज़े के अंदर बनी हुई है, ऊपर की दिखावट दे सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ऊपर का नज़ारा देखने लायक है। तो गाइस मैंने काफ़ी वीडियो ऐसे ही बनाई थी जिसमें आप पिछली वीडियो में देखा हो ना, एतमदौला के वीडियो दिखाते, उसमें कुछ इस तरीके की डिज़ाइने या कढ़ाई बढ़ाई थी। तो गाइस उसी तरीके से इसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन ऊपर की जो लिखावट थी काफ़ी ज़्यादा दिखने में रंगीन और खूबसूरत लग रही थी। तो गाइस ये अंदर का मकबरे का सीन ही है, ये ऊपर का कुछ सीन है। तो ऐसे मुख्य मकबरे के बारे में आपको बताता हूँ, जो पट्टी पर बाहर लिखा हुआ था। तो भाई यह एक मकबरा है और इसके मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाली रंगीन चीनी टाइल्स पर हुआ है। चीनी का रोज़ा महान विद्वान व कवि और मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के प्रधानमंत्री मुल्ला शुकरुल्ला सिराजी की कल्पना के परिणाम है। 1935 में निर्मित यह मकबरा यमुना नदी के किनारे पर है और एतमदौला मकबरे से 1 किलोमीटर दूर है। भारत में यह अपने तरह का पहला निर्माण था जिसमें विस्तृत रूप से चमकदार कांच के टाइल्स का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे भारत में भारतीय व पारसियन वस्तुशिल्प शैली से बना ऐतिहासिक स्थल होने का गौरव प्राप्त है। इसे मकबरे का निर्माण आयताकार आकार में किया गया है, मुख्य रूप से भूरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसके दीवार को रंगीन टाइल्स से सजाया गया है और उन पर इस्लामिक लिखावट के चिन्ह देखे जा सकते हैं। तो भाई जी कुछ जानकारी थी जो पट्टी पे लगी हुई थी, वो जो बाहर का सीन है आप देख सकते हैं। और देखो साइड में जो गुंबद बना हुआ था उसका जूम करके दिखाते हैं आपको। तो भाई साइड में यमुना नदी है और मकबरे के दोनों तरफ हरे 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 बाग बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे सामने देख सकते हैं आप, कुछ ये गुम्बद बने हुए हैं। तो गाइस ये गार्डन बाहर का, तो इस सामने की चीनी का रोज़ा। चलिए दोस्तों, आपको मुख्य गुम्बद दिखाते हैं, पास ले चलते थोड़ा सा, जो मुख्य जो गुम्बद बना हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके अंदर, दिखाते हैं क्या नज़ारा है। तो गाइस कुछ लोग भी यहाँ पर आते हैं, तो गाइस ये बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट करने लेना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल ही, आप जा सकते हैं विज़िट करें एक बार, बिल्कुल फ्री है। लेकिन गाइस कुछ ज़्यादा खास नहीं है देखने लायक, तो फिर भी आप कभी टाइम मिल तो आप जा सकते हो कभी भी। तो भाई ये कुछ मकबरे के साइड में जो बने हुए थे गुम्बद वो दिखा रहा हूँ आपको, और काफ़ी ज़्यादा हरियाली, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, छोटा ही था। तो गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें। तो गाइस हमारी वीडियो शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि हम कुछ इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो भाई यमुना नदी देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा पानी भी आ चुका है अभी तो इसमें। तो भाई जैसे देख सकते हैं आप जी, कुछ पुरानी टाइम में बना हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा जड़ लाल लाल पे हो चुका है। तो देख सकते हैं मिट्टी भी निकल चुकी है, चूना वूना सारा दिखाई दे रहा है, जो कि एक पुरानी कुछ पतली ईंटें आती थी उनसे बना हुआ है। तो भाई ये यमुना नदी, और साथ ही आपको दिखाते हैं जूम करके थोड़ा सा। तो चलो गाइस वीडियो में इतना ही था, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को ले सब्सक्राइब। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।